रतहरी तालाब के भीटा पर अवैध निर्माण को हटाकर आम रास्ता बहाल कराए जाने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन। संभागायुक्त कार्यालय शिकायत करने पहुंचे वार्डवासियों का कहना है कि रतहरी वार्ड 15 में रतहरी तालाब भूमि नंबर 218 के भीटा से 20 फीट चौड़ा रास्ता आम जनता के लिए छोड़ा गया था। इसी आधार पर नगरपालिक निगम रीवा ने WBM रोड बनवाया भी था, लेकिन कुछ लोगों ने साठ गाट कर रोड खुदवा कर उस पर प्लॉटिंग कर कई लोगों को बेच दिया और कई वर्षों से प्रचलित भीटा से आम रास्ता को नष्ट करके शासकीय तालाब व भीटा का स्वरूप बदल दिया गया है। इसे बचाने को लेकर विश्वनाथ उर्फ चोटी वाला और आम जनता धरने पर बैठी हुई है। समस्या है कि हम लोगों का रास्ता बंद हो गया है, तकरीबन 100 घर बन चुके हैं। अब हम बरसात आ गई है, कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से जाएंगे। हम लोगों का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया गया है और उसमें से किसी प्रकार से कहीं मार्ग नहीं दिया गया है। जो मार्ग था उसको भी खोद करके बराबर करके प्लॉटिंग कर दिया गया और उसमें से मकान का निर्माण शुरू हो गया है और हम लोग इस प्रकार से फंसे हुए हैं। कई परिवार जो हैं उसमें से फंसे हुए हैं, निकलने का कोई भी रास्ता कहीं से भी किसी प्रकार से नहीं है। ये रतहरी तालाब के अतिक्रमण हटाने को लेकर हम लोग आज रतहरी ग्रामवासियों के साथ यहाँ कमिश्नर साहब से मिले हैं और वो तालाब सरकारी तालाब था। सरकारी तालाब को अवैधानिक तरीके से कांग्रेस नेता रमा शंकर मिश्रा ने, जो अंपायर वर्ग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कब्जे में लिया। इसके बाद सारी सड़कें नगर निगम की जो बनी थी और पूरा आवागमन उन्होंने बाधित कर दिया, पूरा प्लाटिंग कर दिया, जिससे सैकड़ों परिवार जो है आवागमन के लिए परेशान हैं। और उसी तालाब को बचाने विश्वनाथ चोटी वाला समाजसेवी जो है 10 दिनों से सरकार की चिता पर अनशन बैठे हुए हैं और यहाँ का प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। आज उसका BP लो हो गया, रात के गुंडे आते हैं, धमकी देते हैं, इस तरह से उसको जान का खतरा बना हुआ है। प्रशासन आज तक कोई निराकरण करने का काम नहीं किया। हम लोगों ने अभी कमिश्नर साहब से मिला और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि मैं SDM साहब को तत्काल भेज रहा हूँ और हम ये यहाँ से घोषणा करके जाते हैं कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई और यदि चोटी वाले के साथ कोई घटना घटती है तो सरकार की चोटी वाले की चिता के पहले सरकार की चिता यहाँ जलेगी और पूरा रीवा आग की लपेटों में होगा। ये हम लोग चेतावनी देके जा रहे हैं यहाँ स्टे के बाद और ग्रीन ट्रिब्यूनल से स्टे भी है, तहसीलदार ने भी स्टे जारी किया है, लेकिन अभी तक कोई काम रोकने वहाँ नहीं गया।